हाँ तो स्टूडेंट्स, किस टॉपिक के ऊपर चर्चा चल रही थी? हम देख रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बता दिया था। किसके बारे में बता दिया था? फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बता दिया था। उनके ऊपर थ्योरेटिकल मुझे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? थ्योरेटिकल मुझे बात करनी थी। आप फर्स्ट मेंशन कीजिए नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखना, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फटाफट मेंशन कीजिए नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें मेंशन करना रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर एज वेल एज रेट ऑफ SN1 डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना एस एन वन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति तथा उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना रेट ऑफ एस एन टू डिपेंड्स अपॉन नेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे बस नेक्स्ट मेंशन कीजिए। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना SN2 अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति तथा उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड मेंशन करना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इसमें मेंशन करना SN1 reaction is carried out in polar protic solvent SN1 reaction is carried out in polar protic solvent। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना SN1 अभिक्रिया पोलर या ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट मेंशन करना इंग्लिश में SN2 reaction is carried out in polar aprotic solvent। आगे बात समझ में? यस या नो? हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना SN2 अभिक्रिया पोलर एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है
पोलर एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है। अब इसमें लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का या विलायक का वर्गीकरण, लिखना विलायक का वर्गीकरण। विलायक का वर्गीकरण, ठीक है। और इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, बात को समझना कितने पार्ट में डिवाइड किया, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारे पास में पोलर और एक है तुम्हारे पास में नॉन पोलर। जो सॉल्वेंट है वो पोलर है यानी कि ध्रुवीय है, और क्या हो सकता है, अध्रुवीय हो सकता है। इसके लिए जो म्यू इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, नॉट जीरो होगा। इसके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये जो पोलर होता है, बात को समझना, अभी मैंने पोलर प्रोटिक बोला है ना, तो ये दो प्रकार का होता है, पोलर प्रोटिक यानी कि पोलर प्रोटिक, लिख लेना भैया हिंदी मीडियम, प्रोटिक। और ये क्या होता है, एप्रोटिक। अब जो प्रोटिक होता है वो भी ध्यान देना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एक्वस और एक नॉन एक्वस। यह आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो प्रोटिक के एग्जांपल लिख लेना, कौन कौन है, H2O है, CH3COOH है, HF है, NH3 है, ये सारे के सारे एग्जांपल कौन है, पोलर प्रोटिक के एग्जांपल। तो एप्रोटिक में कौन आता है, एप्रोटिक में आता है एसीटोन, एसीटोन। और कौन आता है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोन, DMSO। क्या होगा DMSO की स्ट्रक्चर, इस कार्बन की जगह यहाँ पर S होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा। नॉन पोलर में कौन आएगा, बेंजीन आएगी, खुद तुम्हारी बेंजीन आएगी। और कौन आएगा, CCl4 आएगा, और कौन आएगा, CH2 आएगा। ये सारे एग्जांपल नॉन पोलर के हैं, इनको देख के हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, एक बार इनको बना लीजिए, बनाओ भाई इसको एक बार फटाफट। Thank you.
चले आगे भाई, बना लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन करवा के देखते हैं। बना लिया ही। कुछ रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कि मान लीजिए तुम्हारे पास पे जैसे ये है R X और आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एक्वस KOH के साथ में, ठीक है ना। तो KOH है, वाटर है, यहाँ पर यदि आपने रिएक्शन करवाई और आपसे मैकेनिज्म पूछा तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगी और ये क्या बनेगा ROH। लेकिन सेम ऐसे केस में यदि तुम्हारे पास में KOH के साथ में रिएक्शन करवाई और साथ में कौन है एसीटोन सॉल्वेंट है तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लगेगी और क्या बनेगा ROH बनेगा। बनाइए एक बार इसको। बनाइए फटाफट इसको। बना लिया। नेक्स्ट लिखना नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अभिकारक की प्रकृति, ठीक है। इसमें लिखना एसएन रिएक्शन आर वेरी डिफिकल्ट, एसएन रिएक्शन आर वेरी डिफिकल्ट एट sp2 कार्बन, एट sp2 कार्बन एंड इजीली टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन। जैसे मैं बात करूं कि यदि तुम्हें यहाँ पर ये रिएक्शन करवानी हो, बात को समझना, यहाँ Cl है और यहाँ पर तुम्हारे पास में RCl है, आपको ये रिएक्शन करवानी है एक्वस KOH के साथ में, नहीं होगी। आपको यदि करवानी है एक्वस KOH के साथ में तो रिएक्शन होगी और बनेगा ROH। बात को समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है वो क्या है, वो है sp2, ठीक है ना। ये जो कार्बन है वो क्या है sp3। इस वजह से यहाँ रिएक्शन इजीली हो जाएगी, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। आगे चलिए, पहले इसको बनाइए फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाइए।
चले अपन आगे, नेक्स्ट लिखना, बना लिया होगा यहाँ तक, नेक्स्ट मेंशन करना, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखना, लिखना SN1 रिएक्शन sp2 कार्बन पर आसानी से नहीं होती है, जबकि sp3 कार्बन पर आसानी से हो जाती है, जबकि sp3 कार्बन पर आसानी से हो जाती है, जबकि sp3 कार्बन पर आसानी से हो जाती है, sp3 कार्बन पर आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट मेंशन करना, एरिल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर इज डेवलप इन कार्बन एक्स बॉन्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में से बोल लो, एरिल हैलाइड व विनाइल हैलाइड SN1 अभिक्रिया का वेग बहुत कम होता है क्योंकि अनुनाद के कारण कार्बन एक्स के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं। देखो भाई इसको, द्विबंध के गुण आ जाते हैं, बात को समझना। ये है तुम्हारे पास में एरिल हैलाइड, सॉरी ये कौन है, एरिल हैलाइड। अब इसमें क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर कौन से करेक्टर आ जाएंगे, पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे इसके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन से करेक्टर जनरेट हो रहे हैं, पाई बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो रहे हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, आ गई बात। ऐसा ही किसके साथ में होगा, इसके साथ में हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या है भाई CL, ठीक है, रेजोनेंस हुआ और यहाँ पर पाई करेक्टर आ जाएंगे इसके ऊपर, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CL और ये पॉजिटिव। बना लीजिए एक बार इसको भी, इसको भी बनाइए। बना लिया है यहाँ तक का, आगे चले, नेक्स्ट लिखना, बेंजील हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, बेंजील हैलाइड व एलिल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। आ गई बात समझ, चलिए अपन आगे, आगे देखिए इसके लिए क्यों क्रियाशील होते हैं। देखना, बेंजील जो हैलाइड है वो कौन है, C6H5 CH2 और यहाँ पर क्या भाई CL,
तो यहाँ पर जहाँ रिएक्शन होगी वो कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन है। यदि यहाँ पर ड्यूरिंग द रिएक्शन तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, तब भी स्टेबिलिटी आएगी रेजोनेंस की वजह से, तो भाई ये रिएक्शन ईजिली हो सकती है। ऐसा ही किसके केस में है भाई? एलाइल हैलाइड के केस में CH, यहाँ CH2 और ये क्या भाई Cl, तो यहाँ पर कौन सा कार्बन है? ये sp3 कार्बन है। तो एक बार इनको भी बना लीजिए आप लोग, ये भी बनाइए एक बार। चलिए अपन आगे आगे मेंशन कीजिए। इसी के साथ में तुम्हारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब मेंशन कीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मेंशन किए करना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या मेंशन करोगे? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगी वो ध्यान देना किसकी प्रेजेंस में होती है? फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस, मतलब फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में होती है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, थर्मल कंडीशन में हो सकती है, परोक्साइड की प्रेजेंस में हो सकती है। तो इसमें इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। तो इसमें देखिए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर, इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर, और ब्रैकेट में लिखना इसको परोक्साइड कोमा फोटोकेमिकल कोमा थर्मल ई टी सी। नेक्स्ट मेंशन करना, लिखना यह अभिक्रिया जो मुक्त मूलक अभिक्रिया परोक्साइड फोटोकेमिकल व थर्मल परोक्साइड फोटोकेमिकल HMU वह थर्मल कंडीशन में होती है। नेक्स्ट मेंशन करना रिएक्शन टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन हाइड्रोजन। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन हाइड्रोजन। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन हाइड्रोजन। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन हाइड्रोजन।
रिएक्शन टेक्स प्लेस एट sp3 कार्बन हाइड्रोजन. नेक्स्ट लिखना मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट. आई वासन. अब देखना यहाँ पर कुछ रिएक्शन देखते हैं हम इनकी. सबसे पहले रिएक्शन लिखिए हेलोजिनेशन. ठीक है, हेलोजिनेशन के लिए हम देखेंगे, मैंने आप लोगों को पहले बताया था हेलोजिनेशन के अंदर क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर हो रही है, कार्बन. मतलब यहाँ पर जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी उसके अंदर होगा क्या, एक्चुअलिटी के अंदर ये होना चाहिए क्या, sp3. और हेलोजिनेशन जब होगी तो ये क्या होगी, X2. क्या भाई यहाँ पर फोटोकेमिकल हो सकता है, X2 यहाँ पर क्या हो सकता है तुम्हारे पास में, थर्मल हो सकता है, X2 तुम्हारे पास में यहाँ क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है. तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, कार्बन X बन जाएगा. आई बस अब हम इसकी मेकेनिज्म देखेंगे. दैट मीन्स मैं आपके पास में एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे RH है और हमने बनाया क्या भाई, X2 फोटोकेमिकल, तो क्या बन गया, RX. एक बार ये बनाइए फिर हम इसके मेकेनिज्म की बात करेंगे. फटाफट इसको बताओ. आगे बात सुन, नेक्स्ट मेंशन करना है इसकी मैकेनिज्म. भाई हम बात ही किसकी कर रहे हैं, मैकेनिज्म. तो हेलोजिनेशन के लिए हमेशा जो मैकेनिज्म होगी वो देख लेना कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. लिखना मैकेनिज्म, फर्स्ट लिखना मैकेनिज्म. और मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप देखना, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप. चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना, मेंशन करो चेन इनिशिएशन स्टेप. चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि तुम्हारे पास में जो X2 है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2X रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ये चेन इनिशिएशन स्टेप होगा. मेंशन कीजिए इसके लिए, चेन इनिशिएशन स्टेप मेंशन करो. ठीक है ना, ये जो रिएक्शन होगी तीन स्टेप पे कंप्लीट होगी, जिसमें पहला स्टेप है तुम्हारे पास में चेन इनिशिएशन स्टेप. X2 फोटोकेमिकल कंडीशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2X रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें कन्वर्ट होगा, 2X रेडिकल में कन्वर्ट होएगा. चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद में आएगा तुम्हारे पास में कौन सा स्टेप आएगा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप. सेकंड जो स्टेप होगा वो कौन होगा, चेन प्रोपागेशन स्टेप. मेंशन करना चेन प्रोपागेशन स्टेप. इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे श्रृंखला प्रारंभ पद. श्रृंखला प्रारंभ पद इसे बोलेंगे श्रृंखला संचरण पद. श्रृंखला संचरण पद, चेन इनिशिएशन स्टेप इसे चेन प्रोपोगेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पद. इसके अंदर एक्चुअल के अंदर होगा क्या, जो तुमने सबस्ट्रेट लिया था RH, उसकी रिएक्शन हमने करवानी किसके साथ में, X रेडिकल के साथ. ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा,
आर एक्स प्लस एच, सॉरी तुम्हारे पास में बन जाएगा आर रेडिकल प्लस एच एक्स। आई बात समझ में? अब आर जो रेडिकल है उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, एक्स टू के साथ में करवाई फिर से, तो ये हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ, और क्या बन जाएगा आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल। ये है श्रृंखला संचरण पद। ध्यान देना, श्रृंखला संचरण पद के अंदर चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आगे बात समझ, मैं तीसरा पद जो है वो ऊपर लिखूंगा भाई। थर्ड जो स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक ना। श्रृंखला संचरण, श्रृंखला प्रारंभ पद हो गया, श्रृंखला संचरण पद हो गया, और चेन टर्मिनेशन स्टेप, यार हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्रृंखला प्रारंभ, श्रृंखला संचरण, भाई देख लेना इसको, चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होगा भाई इसके अंदर, आपके पास में जो भी बना है, जैसे x रेडिकल और x रेडिकल बना है तो इसको आपस में जोड़ दीजिए, क्या बनेगा x2। r रेडिकल प्लस r रेडिकल को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा r r। और r रेडिकल प्लस x रेडिकल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा r x। तो ये प्रोडक्ट ध्यान देना टर्मिनेशन हो जाएगा, अब रिएक्शन रुक जाएगी। बना लो इसको, चले आगे। नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो रिएक्शन हो गई, नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो नाभिक स्नेह थी, यह है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये भी टू टाइप की होगी, एक तो होगी यूनिमोलिकुलर, मेंशन कर लेना भाई, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी अपने को। एक तो होगी यूनिमोलिकुलर और एक होगी बाईमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर दैट मीन्स एकाणुक, बाईमोलिकुलर मतलब द्विअणुक। यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा एस ई वन और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा एस ई टू। मेंशन करेंगे इसको, फर्स्ट लिखना भैया एस ई वन मैकेनिज्म, फर्स्ट मेंशन करना एस ई वन मैकेनिज्म।
फर्स्ट मेंशन करना एस ई वन मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, इस मैकेनिज्म के अंदर कि तुम्हारे पास में ये है एल, तो तुम्हारे पास पे यहाँ पर एस ई वन में ये स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, पहले बोल दे स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। ये रेट डिटरमिनिंग को क्या बोला जाता है हिंदी में, क्या बोला जाता है इसको, बोला जाता है वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद। और यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। यहां जो रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास में सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, इसने ओ सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफाइल, भाई अभी वो आदत गई नहीं ना मेरी वो पढ़ाते पढ़ाते। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो देखना क्या बनेगा तुम्हारे पास में, ये ही तो प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ फटाफट इसको। लिखना है इसके अंदर, लिखिए इसमें फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फिर लिखना रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फिर मेंशन करना रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई, सबस्ट्रेट, ठीक है ना। जो दर होती है, जो वेग होती है, वो डायरेक्टली समान मतलब समानुपाती होता है किसके भैया, अभिकारक के। चलिए आगे नेक्स्ट मेंशन करना, सिंस इंटरमीडिएट कार्ब एनायन इज फॉर्म, सिंस इंटरमीडिएट कार्ब एनायन इज फॉर्म, सिंस इंटरमीडिएट कार्ब एनायन इज फॉर्म। इसमें मध्यवर्ती कार्ब एनायन का निर्माण होता है, इसमें मध्यवर्ती कार्ब एनायन का निर्माण होता है। एक एग्जांपल लिखिए इसकी, मतलब एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन देखिए। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इसका एग्जांपल है, एग्जांपल लिखना सोडा लाइम, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये है सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन यदि आपने सोडा लाइम के साथ में करवाई, सोडा लाइम एक्चुअल में क्या है NaOH प्लस CaO है, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा RH। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं अब अपन, बनाओ
चले भाई इसी के। हाँ अभी एसी टू भी तो अच्छी हुई है। नेक्स्ट मेंशन करना एसी टू में क्या नहीं। एसी टू भी ध्यान देना, एसी टू जो रिएक्शन है वो टू टाइप की रिएक्शन है। एक तो होती है एसी टू फ्रंट और एक होती है एसी टू बैक। एक तो होती है एसी टू फ्रंट, एक होती है एसी टू बैक। क्या होगा फ्रंट के अंदर, ठीक है ना, ये यहाँ पर रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्लिटी के अंदर कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे और इसका अटैक होगा ऐसे फ्रंट साइड। फ्रंट साइड जो होगा रिएक्शन होगा, इसके अंदर क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। कहाँ से अटैक करेगा, ये बैक साइड से। बना लीजिए एक बार, ये कौन, ये भी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, वो भी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। एसी टू से ही मतलब ही समझ में आ रहा है। बनाओ फटाफट इसको। चले भैया बना लो इसको फटाफट। बना ये तुम्हारे पास में कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब बात करेंगे हम किसकी भैया, एडिशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो अब मेंशन कीजिए एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना, एडिशन रिएक्शन क्या हो गई भाई तुम्हारे पास में, एक तो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक होगी तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। भाई क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और ये है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया ये तीन टाइप की रिएक्शन हम यहां पर पढ़ेंगे वन बाय वन। मेंशन कीजिए फटाफट एक बार इसको। मेंशन कीजिए चलिए अपन आगे इसके ऊपर आगे इस बात करें। इसमें फर्स्ट मेंशन करना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फर्स्ट मेंशन करना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया फर्स्ट मेंशन कीजिए। वर्बली बोल रहा हूँ मेंशन कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ठीक है और इसमें लिख लें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही प्रतिस्था इन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखो भाई क्या होता है। आपको बस जनरल जनरल सी बात याद रखनी है। यहाँ पर ये तुम्हारे पास में कार्बोनिल है और इसकी रिएक्शन यदि हमने रिएजेंट के साथ में करवाई कौन है ENU तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा OE और साथ में बनेगा NU। देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग। इसकी क्रियाविधि देखिए ठीक है भाई। क्रियाविधि देखेंगे तो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक्चुअलिटी के अंदर होगा क्या कि ये तुम्हारे पास में स्लो स्टेप होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। इसने अटैक किया ये यहाँ पर गया तो क्या बन गया तुम्हारे पास में बना O माइनस और यहाँ बना N। ये मैकेनिज्म है इसका सीधा सीधा सा O माइनस और NU इसने रिएक्शन की किससे E प्लस से ये लो इसने इसके ऊपर अटैक किया क्या बन गया OE और यहाँ पर बन गया N। बनाओ फटाफट इसको मैकेनिज्म। आगे बात सामने नेक्स्ट मेंशन करना
नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखना। इसके एग्जांपल देखना, एल्कीन एल्काइन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन गिव्स, क्या लिखोगे इसमें, एल्कीन एल्काइन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, एल्काइन व 1,3-ब्यूटाडाइन इलेक्ट्रॉन इसने योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन इसने योगात्मक अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। बनाओ इसको, चलिए भाई देखना भाई। यहाँ पर मैं एल्कीन के ऊपर बात करूँगा, अभी 1,3-ब्यूटाडाइन की मैं बाद में बात करूँगा अभी, ठीक है। सबसे पहले मेंशन कीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन। अब एल्कीन के अंदर सपोज दैट जैसे तुम्हारे पास में ये है नॉर्मल CH2, इसकी रिएक्शन यदि तुमने करवाई किसके साथ में, HBr के साथ में रिएक्शन करवाई, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, CH3CH2 और ये Br। इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा आप लोगों को, इसका मैकेनिज्म था क्या, मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, CH2CH2 ये तुम्हारे पास में H+ आया, यस है ना, ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्या बन गया CH2CH3, यहाँ पर क्या पॉजिटिव इंटरमीडिएट बन रहा है CH3CH2, यहाँ पॉजिटिव, फिर कौन आया तुम्हारे पास में Br-, इसने इसके ऊपर अटैक किया, क्या बन गया CH3CH2 और ये Br। बनाओ ये इसका मैकेनिज्म, चलिए देखो जैसे अनसिमेट्रिकल आ जाए तब यहाँ पर ये तो बना लिया होगा भाई, अनसिमेट्रिकल आ जाए तब क्या ध्यान रखना आप लोगों को, जैसे आपके पास में हो CH2CH और यहाँ पर क्या हो CH3, या ऐसा ना हो कि
CH3CH डबल बॉन्ड क्या भाई CH2। यदि इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, HBr के साथ में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और यहाँ पर क्या भाई Br। देखते हैं ऐसा हुआ क्यों भाई, पहले तो इसको मेंशन कीजिए फिर ऐसा क्यों हुआ उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बना लिया अगर देखना इसका मैकेनिज्म क्या भाई, ये तुम्हारे पास में कौन है CH3, CH डबल बॉन्ड क्या भाई CH2, इसकी रिएक्शन आपने H+ के साथ में करवाई तो ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका क्या लग रहा है, इसका लग रहा है तुम्हारे पास में यहाँ पर प्लस एच, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खुश करेगा, अरे बात समझ, धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये क्या हो गया CH3 CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या बना कार्बो कैटायन। तो ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जा किधर रहा है, पॉजिटिव यहाँ पर कौन भाई Br-, इसने इसके ऊपर अटैक किया, क्या बन गया CH3 CH और यहाँ पर CH3 ये Br। बनाइए इसको एक बार फटाफट, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, यस या नो, मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे तुम्हारे से ऐसे क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो बना लेना ऐसे क्वेश्चंस। ये तुम्हारे पास में कौन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कौन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भाई तुम्हारे पास में, इस रिएक्शन में ये जो HXS की रिएक्टिविटी देखना कि जो HI है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर होती है HBr की, फिर होती है HCl की और फिर होती है HF की, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये भी बना लेना आप लोग, इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो ये है, क्योंकि HI आसानी से H+ दे सकता है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस HI के अंदर जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, इसलिए आसानी से दे सकता है भैया। आगे के बाद समझ बना लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए फटाफट, इसको मेंशन कीजिए भैया, इसके बाद में आगे की रिएक्शन पड़ेगी।